उत्तरी लंदन की प्रिमरोज पहाड़ी अब काफी रोशनीदार हो चली है, पर बीती दो सदियों तक ऐसा नहीं था। एक रेलवे लाइन जिसकी पटरियां 10 किंग हेनरी रोड के पीछे वाले बगीचे को पार करती थी, दिन रात रेलगाड़ियां गुजरती रहती थी, भाप के इंजन से निकलने वाले काले धुएं से आसमान में कालिक सी पुती रहती। और 1920 के उस दशक में कोई था जो उस काले धुएं में हिंदुस्तान के सुनहरे भविष्य की इबारत लिखने की तैयारी कर रहा था। अपने छोटे और चौकोर कमरे की इकलौती खिड़की से रेलवे ट्रैक को पूरी गंभीरता से निहारती आंखें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। ये बाबा साहब की जन्मतिथि का महीना है तो उन पर मन भर किताबें पढ़ी जा रही हैं, और कोशिश यही है कि किताबी बातों में जो कुछ रोचक प्रसंग हम इन किताबों के आश्रय बीन पाएं उन्हें बटोर कर आपके सामने हाजिर हो सके। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आपका स्वागत है किताबों से जुड़े हमारे डेली शो किताबी बातों में। हर रोज एक अलहदा किताब और उससे जुड़े किस्से, इसी वफा की उम्मीद तो आप हमसे करते हैं, तो जफा करके जाएंगे कहाँ। अब यहाँ वापस लौटते हैं। आज बाबा साहब की कुछ अनकही कहानियाँ होंगी, मसलन सावरकर को अंबेडकर ने लापरवाह घृणा फैलाने वाला क्यों कहा, अंबेडकर ने चाची के पर्स से पैसे चुराने की योजना क्यों बनाई, और क्या हुआ जब अंबेडकर बिना पासपोर्ट के ही न्यूयॉर्क से लंदन चले गए। आज के एपिसोड का आधार है हार्पर कॉलिंस से छपी एक किताब जिसका शीर्षक है बिकमिंग बाबा साहेब बर्थ टू महा। इसमें बाबा साहेब की 1891 से 1929 तक की जीवन यात्रा को 15 चैप्टर्स में समेटा गया है। ये पहला खंड है इसमें उनके बचपन से लेकर पढ़ाई के लिए लंदन जाने, फिर वापस भारत लौटने में आई कठिनाइयों समेत उनके सामाजिक आंदोलन, मसलन महाड़ सत्याग्रह, गोलमेज सम्मेलन के कई ब्यौरे लिखे गए हैं। इस किताब की रिसर्च में प्रोफेसर आकाश सिंह राठौड़ को 10 साल का वक्त लगा। इस बायोग्राफी का दूसरा खंड 2023 के अंत तक आएगा। आकाश ने प्राथमिक स्रोतों को खंगाल खंगाल कर कई धारणाएं ध्वस्त की हैं। मसलन एक जगह वे बताते हैं कि कैसे लंदन के तमाम विश्वविद्यालय अंबेडकर के बारे में पिछले 100 सालों से झूठी और गलत सूचना फैला रहा है। आकाश राठौड़ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रह चुके हैं। उन्होंने 9 किताबें लिखी हैं जिसमें सबसे चर्चित है अंबेडकर्स प्रियम्बल, अ सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ हुई सूचना समाप्त, अब किस्सों का दौर शुरू करते हैं। साल 1928 से ही डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्मदिन 14 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन ये उनकी एकदम सही डेट ऑफ बर्थ यानी पैदाइश की तारीख नहीं है। जी हाँ, नहीं है, और ना ही भीमराव अंबेडकर वो नाम था जो उन्हें पैदा होने के वक्त दिया गया। जब अंबेडकर की दूसरी शादी की तारीख तय हो रही थी तो अपनी मंगेतर डॉक्टर शारदा कबीर को लिखे खत में भीमराव लिखते हैं, आप मुझसे पूछती हैं कि 15 तारीख ही क्यों, 14 क्यों नहीं। दरअसल 14 को मेरी आधिकारिक जन्मतिथि है, पर कोई नहीं कह सकता कि ये मेरे पैदा होने की असली तारीख है। अलग अलग ज्योतिषियों ने मुझे अलग अलग तारीखें बताई हैं। कुछ कहते हैं 14 अप्रैल, कुछ कहते हैं 17 अप्रैल, और कुछ तो 15 मई बताते हैं। एक और जगह पर अंबेडकर कहते हैं, मेरे पिता ने रिकॉर्ड्स नहीं रखे थे तो मुझे मेरे जन्म की सही सही तारीख पता नहीं है। मैं आधी रात को पैदा हुआ था और मुझे जन्म देने में प्रसव के समय मेरी माँ को बहुत तकलीफ हुई थी। बाबा साहेब का जन्म वर्ष माना जाता है 1891, पर 1927 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य बनने के बाद जब वो एक दस्तावेज दाखिल करते हैं तो अपना जन्म वर्ष बताते हैं 1893। साल 1932 के उनके ओरिजिनल पासपोर्ट पर नज़र डालें तो उसमें बाबा साहब ने 1892 को अपने बर्थ का साल बताया है। हालांकि बाकी सभी ऐतिहासिक दस्तावेज इस बात की तस्दीक करते हैं कि अंबेडकर की पैदाइश का साल 1891 ही है। साल 1900 की स्कूल रजिस्ट्री में उनका नाम दर्ज है, भीवा रामजी अंबेडकर। माँ भीमाबाई उन्हें प्यार से भीवा पुकारती थी। 21 वर्ष की उम्र पर भीवा राम ग्रेजुएशन कर रहे थे, पिता भी बन चुके थे, तब उन्होंने अपना भीमराव नाम रखा। अंबेडकर के बचपन का एक और किस्सा है। 1896 में जब वे 5 साल के थे उनकी माँ गुजर गई। 2 बरस बाद साल 1898 में उनके पिता ने जीजाबाई से शादी कर ली। वे एक विधवा थी। युवा भीवा अपनी सौतेली माँ को पसंद नहीं करता था। जब भीवा ने देखा कि उनकी सौतेली माँ उनकी असली माँ के जेवरात पहन रही हैं तो वे नाराज़ हो गए। उन्होंने योजना बनाई कि वे अपनी चाची मीराबाई के पर्स से पैसे चुरा कर ट्रेन की टिकट खरीद कर बॉम्बे जाएंगे और मिल में मजदूरी का कुछ काम ढूंढेंगे। पर बाबा साहब की मेहनत ने उनका वकार ढूंढ लिया था।
जब भीमराव कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए न्यूयॉर्क गए तो पैसा और वक्त दोनों बचाने के लिए वो सिर्फ एक वक्त का खाना खाते थे। हर दिन $1.1 खाने पर खर्च करते, इसमें एक कप कॉफ़ी, दो मफिन्स और मीट या मछली खाते थे। न्यूयॉर्क में रहना जेब के लिहाज से सस्ता नहीं था और उन्हें घर परिवार के लिए भी पैसे भेजने होते थे। बचपन में वे पढ़ने के लिए रात को 2 बजे उठा करते थे। ये आदत न्यूयॉर्क के दिनों में ही बनी रही और 3 बरस के रहवास में उन्होंने अपनी निजी लाइब्रेरी में कुछ 2000 किताबें इकट्ठा कर ली थीं। ये जानकर हम में से कई लोगों को अचरज होगा कि बाबा साहब एक बार बिना पासपोर्ट के अमेरिका से ब्रिटेन चले गए। किस्सा है 1916 का। दरअसल न्यूयॉर्क में अब सिर्फ डिजिटेशन भरना बचा था तो भीमराव ने लंदन जाने का मन बनाया। पर लंदन जाया कैसे जाए, क्योंकि भीमराव के पास पासपोर्ट तो था नहीं। खतों किताबत हुई पर पासपोर्ट नहीं बना। युवा अम्बेडकर का धैर्य अब जवाब देने लगा था। 11 जून को वो बिना पासपोर्ट के ही न्यूयॉर्क से लिवरपूल जाने वाले जहाज़ में बैठ गए। इंडिया ऑफिस के अफसरों को जब खबर मिली तो वे बेफर गए। जुलाई तक अफसर इस पहेली को सुलझा ही नहीं पाए। अंत में फाइल इस लिखे के साथ बंद हुई कि जो भारतीय सवालों के घेरे में हैं वो लंदन आ चुके हैं और अब किसी भी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है। अगले वर्ष जुलाई 1917 में अम्बेडकर भारत वापस आए तो बड़ौदा में नौकरी करने गए। वे सराय में एक पारसी नाम रख कर रह रहे थे। एक दिन दर्जन भर लोग अचानक उनके कमरे में आ धमके और उनके साथ बुरा सलूक किया। अम्बेडकर को शाम तक सराय खाली करने के लिए कह दिया गया। वे लिखते हैं, मेरा दिल बैठ गया, मैंने बददुआएं दी और बुरी तरह रो पड़ा। वे एक हिंदू और एक ईसाई दोस्त के पास गए पर कहीं से मदद नहीं मिली। इस घटना के 18 वर्ष बाद अम्बेडकर लिखने वाले थे। मेरे जहन में आज भी वो घटना एकदम ताज़ा है और जब मैं उसे याद करता हूँ रोए बिना नहीं रह पाता। अम्बेडकर इसके बाद पाक्षिक यानी हर 15 दिन में निकलने वाले मराठी अखबार मूक नायक को लॉन्च करते हैं और जुलाई 1920 में फिर से लंदन पहुँचते हैं। लंदन के दिनों का ब्यौरा देते हुए मराठी लेखक प्रभाकर पढ़े को अनूठे ढंग से बताते हैं, जैसे कोई गणेश जी के माथे में लाल टीका लगाता है, ठीक उतना ही जैम मेरे टोस्ट के कॉर्नर पर लगता था। दोपहर का खाना तो मिलता ही नहीं था और भीमराव के पास खरीदने के पैसे थे नहीं तो लंच हमेशा छोड़ा ही जाता। हालांकि अम्बेडकर के गुजराती दोस्त उन्हें पापड़ की सप्लाई करते रहते थे, इसलिए हर रात 10 बजे वे रात भर में लगने वाली भूख मिटाने के लिए एक कप दूध के साथ 4 पापड़ खाते थे। 1939 में प्रभाकर पढ़े लिखने वाले थे, बकौल अम्बेडकर वो मकान मालकिन एक भयावह महिला थी, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ लेकिन वो निश्चित ही नरक भोगेगी। हालांकि बाद में अम्बेडकर लंदन के एक दूसरे सुंदर इलाके में रहने चले गए। वे वहाँ फ्रैंक्स नाम की एक विधवा महिला के घर में ठहरे। आकाश अपनी किताब में लिखते हैं कि फ्रैंक्स और अम्बेडकर के बीच एक गहरा और रूमानी संबंध बन गया था जो आपसी पत्र व्यवहार में 1946 में हुई फ्रैंक्स की मौत तक जारी रहा। अम्बेडकर ने फ्रैंक्स से शादी करने के बारे में गंभीरता से विचार किया था लेकिन उनकी जिंदगी के उद्देश्यों और मिशन के लिए प्यार को अपनी कुर्बानी देनी थी और भीमराव ने शादी ना करने का फैसला किया। ये वो वक्त था जब उनकी पत्नी रमाबाई का देहांत हो चुका था। जाति का सवाल अम्बेडकर के लिए हमेशा से एक प्राथमिकता बना रहा। साल 1927 के अंत में वे समाज समता संघ की स्थापना करते हैं जिसका उद्देश्य था अलग अलग जातियों के बीच की गतिविधियों को बढ़ाना। इस समय में 2 ब्राह्मण समर्थक इनके साथ इस मिशन में लगे हुए थे। पहले थे देवराव विष्णु नायक और दूसरे थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सबसे छोटे बेटे बलवंत तिलक, जिन्हें श्रीधर पंत के नाम से भी जाना जाता था। आकाश ने अपनी किताब में प्राथमिक स्रोतों से कई सूचनाएं उद्घाटित की हैं। मसलन लंदन यूनिवर्सिटी के इस पत्र को देखिए जो पिछले 100 सालों से गलत और झूठी सूचना फैला रहा है। इसमें तथ्यों से जुड़ी 3 त्रुटियां हैं। पहला कि अम्बेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 1920 में दाखिला लिया था, 1919 में नहीं। अम्बेडकर ने MSc की डिग्री जून 1921 में पाई थी, जुलाई में नहीं। मिसेस मायर जो 1920 में ही स्कूल सेक्रेटरी बनी थी, उन्होंने खुद अम्बेडकर को दाखिला दिया था। अपने ओरिजिनल रूप में ये पूरा पत्र सिर्फ 2 वाक्यों का है और फिर भी गलतियां हैं 3। ये साल 1956 है और अम्बेडकर मुंबई में अपना आखिरी भाषण देने जा रहे हैं। उन्हीं दिनों सावरकर ने केसरी अखबार में बुद्ध पर एक लेख लिखा था। इसका जवाब देते हुए अम्बेडकर बोले थे, ऐसे लापरवाह लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सावरकर जहर उगलते हैं लेकिन मैं कहता हूं कि वो उस घृणा को फैलाते हैं जो उनके अंदर बजबजा रही होती है। आकाश की ये किताब अम्बेडकर की स्पष्ट समझ बनाने में हमारी मदद करती है। 20वीं सदी के भारत की वैचारिक और सामाजिक दिशा तय करने वाले भीमराव अम्बेडकर, उनका लिखा उनका बोला, मन भर पढ़िए
और हमें भी खूब किताबें सुझाते रहिए। किताबी बातों के आज के एपिसोड को लिखा था हमारे साथी दीपक तिनगुरिया ने। आपको हमारे किस्से और जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय ज़रूर बताएं। देखते रहिए दी ललन टॉक।